करने जा रहा हूँ सरप्राइज, जो आप अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स और नेबर्स को दिखा सकते हैं और बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं उनकी बर्थडे एनिवर्सरी पे। तो देखिए, सबसे पहले आपने एरोप्लेन तो बना ही होगा पेपर का, तो वैसे ही फर्स्ट स्टेप वो हम लोग रिपीट करेंगे इसमें उसको बनाने में। मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है वो स्टेप। अब इधर से भी हम लोग वही स्टेप दोहराएंगे अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड से वही एरोप्लेन वाला स्टेप दोहराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पेपर ऐसे बन चुका है, हमें इस बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो देखिए, अब मैं इन दोनों साइड के टू साइड्स को मैं टर्न कर दूंगा। मैंने यहाँ पर इन टू साइड्स को टर्न कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना जो हमने बनाया था उसे भी टर्न कर लेंगे। अभी मैंने टर्न कर लिया और अपोजिट साइड के भी ट्रायंगल को हम टर्न कर लेंगे। जैसा कि हम लोग का एक कार्ड जैसा बन चुका है। अब हम लोग इसके पीछे जो आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है मैं पर्पल कलर लूंगा और इसे मैं डेकोरेट करूंगा। जैसे पीछे मुझे लिखना है विश यू, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं आगे, और आप इसे जिस साइड से डेकोरेट भी कर सकते हैं, स्टिकर्स लगा के या फिर कुछ आप इसमें फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसी और भी खूबसूरत हो जाएगा। अब मैं इसके नीचे केक बनाऊंगा। केक आप कैसे भी डिजाइन का बना सकते हैं, जैसा आप पसंद आया होगा। जैसे मैंने उसमें मैं कैंडल्स बना रहा हूँ। अब आप कितने कैंडल्स बना सकते हैं वो बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे डॉट्स बनाऊंगा यहाँ साइड में केक में। आप डॉट्स बनाइए, अब ऊपर बलून्स बनाइए। आप ये किसी दूसरे कलर से भी कर सकते हैं, जैसे पिंक कलर, रेड कलर है ना प्रत्युष? Yes, आप इसे किसी और कलर से भी डेकोरेट कर, या फिर उन जिसके लिए आप बना रहे हैं उनका मन चाहे या कलर उनसे भी आप कर सकते हैं। अब मैं पिंक और लाइट ब्लू लूंगा। मैं पिंक से पर्पल को करूंगा और सेकेंड बलून को भी उसी से। अब ये हमारा बन चुका है, अब मैं इसे टर्न करूंगा। देखिए कैसे पार्सल जैसा ये बन जाएगा, और मुझे दूसरी साइड से भी वैसे ही इसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे निकालना है और पीछे वाली साइड में फंसाना है। जैसे ये है इसके पीछे वाला साइड, हम इसे फंसाएंगे। अरे, अगर आपको कोई से स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम प्रत्युष आपको स्टेप दोबारा करके दिखाएंगे, है ना प्रत्युष? यस, मैं उस स्टेप को आपको दोबारा ज़रूर बताऊंगा अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो। और यही मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कर लिया है। इसे मैंने अंदर, और यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं अपने मन चाहा। जैसे मैं पिंक कलर से यहाँ पे लिख रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, जैसे मैंने लिखा। और यहाँ पे बीच में कुछ हर्ट बनाइए, हर्ट बनाइए, फूल लिख सकते हैं यहाँ पे, फूल आप यहाँ पे फूल लिखना है, और फूल तो आप जरूरी लिखिए। अब मैं रेड कलर लूंगा और यहाँ पे हर्ट बनाऊंगा,
या फिर आप चाहे तो आप अपना कोई सा मन चाहे डिजाइन बना सकते हैं, जैसे छोटे छोटे सर्कल्स है ना प्रत्येक, डायमंड्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, आप कुछ भी अपना मन चाह शेप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा ये तैयार हो चुका है ये सरप्राइज, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा बना है। आप इसे किसी को भी सरप्राइज दे और मैं तो इसे खोल के तो दिखा, अब मैं इसे पुल करूंगा तो देखिए यहां पे सरप्राइज बना था।